हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़ क्लिक नमस्कार मेरा नाम था और आज मेरा साथ जाने माने जो जन स्वास्थ्य प्रणाली के ऊपर जो विशेषज्ञ है मेरा साथ है आज गोवा से डॉक्टर विक्रम पटेल वो साल में आधा समय अमेरिका बॉस्टन में रहते हैं आधा समय गोवा में रहते हैं अमेरिका में उन, 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 Pershing Square Professor of Global Health at Harvard Medical School. Uh, Dr. Patel, आपने कहा कि भारत सरकार जिस तरह से ये COVID-19 के खिलाफ जो संघर्ष जो लड़ाई किया एक तरह से इट इज अज हैमर अप्रोच यानी कि एक बहुत बड़ा तौरा लेके मारना शुरू किया और साथ साथ हमारे देश का जो गरीब व्यक्ति है जो प्रवासी मजदूर है और अलग अलग जो मरीज हैं जो और बीमारी है जो कैंसर का मरीज है जो डायबिटीज का मरीज है जो ट्यूबोकलोसिस का मरीज है इन लोग के ऊपर जिस तरह से इलाज होना चाहिए नहीं हुआ तो इस विषय के ऊपर आप जरा कुछ कहिए हमारे दर्शकों के लिए देखिए पहली बात है कि मैंने ये जो तो शब्द हथोड़ी Uh, uh, मैंने ये शब्द क्यों उपयोग किया था मैं पहले कहना चाहता हूं कि चार हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री जी ने ये लॉकडाउन का uh, 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 की अनाउंसमेंट की, की थी uh, की घोषणा की थी uh, उस वक्त सरकार के मन में ये डर था कि हमारे देश में जिस तरह से ये जो कोरोना वायरस फैल रही थी अन्य देशों में उसी तरह से ये कोरोना वायरस हमारी जनसंख्या में अगर फैली तो फिर बहुत लोग मरते हमारे देश में लेकिन मेरे मन में तीन प्रश्न है उस लॉकडाउन के बारे में मैं मानता हूं कि लॉकडाउन की जरूरत थी लेकिन तीन प्रश्न जो है पहला चेतावनी के बारे में सिर्फ तीन घंटे की चेतावनी हमें क्यों दी अन्य देशों में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई है एक दो, दो तीन दिन कभी कभी एक हफ्ते की चेतावनी मिली है तीन घंटे में लोग कैसे अपनी जिंदगी को बंदोबस्त कर सके मैं आपको उदाहरण देता हूं हमें किराने का सामान लाने के लिए तीन हफ्ते के लिए रात के नौ बजे तीन घंटे में हमें क्या कहा मिला मेरे पिताजी छियासी साल के हैं वो अभी अटक गए हैं बंबई में अगर मुझे दो या तीन दिन की चेतावनी मिलती तो मैं उन्हें मेरे घर लेके आता दूसरा प्रश्न पूरे देश में एक ही समय लॉकडाउन की क्या जरूरत थी चार हफ्ते पहले सिर्फ सौ जिलों में एक केस था दूसरे जिलों में एक भी केस नहीं था आज भी आधे जिलों में एक भी केस नहीं मिली तो यह प्रश्न मेरे मन में है कि पूरे देश में एक ही नीति की जरूरत क्या थी और तीसरा प्रश्न इतना कठोर क्यों था कोई भी देश में जब हम लॉकडाउन देखते हैं देखिए बॉस्टन में लॉकडाउन है लंदन में लॉकडाउन है साधारण आदमी की जो ट्रांसपोर्ट होती है ट्रेन या बस वो जारी रही है। यहाँ हमारे देश में जो साधारण आदमी की जो ट्रांसपोर्ट है वो बंद कर दी। लेकिन क्या जारी थी हमारे जो भारतवासियों जो, जो 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 विदेश गए थे सैर करने के लिए या पढ़ाई के लिए उनके लिए हमने प्लेन डाली उनको वापस लाने के लिए लेकिन हमारे जो गरीब लोग हैं जो उन, उनके गांव जाना चाहते थे उनके लिए हमने ये सब ट्रेन बंद करी और एक आप आपने प्रश्न पूछा था आ, 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 जो अलग बीमारियां अन्य बीमारियां हैं उसके बारे में भी मेरी चिंता है अगर बस या ट्रेन हम बंद कर दे टैक्सी बंद कर दे अगर मेरे घर में किसी को बहुत ही गंभीर बीमारी हुई तो हम अस्पताल कैसे पहुंचेंगे हम अस्पताल जाएंगे कैसे अगर हमारे पास गाड़ी ना हो तो हम पहुंचेंगे कैसे अगर हमारे पास गाड़ी ना हो और मैं अस्पताल में काम करता हूं तो हम मैं काम पे कैसे जाऊंगा तो ये सोच थोड़ी होनी चाहिए थी और मुझे तो दुख है कि इस तरह की सोच न हुई तब और बहुत लोगों को मुझे लगता है काफी नुकसान पहुंचाया ये जो अलग अलग बीमारी है इसके बारे में हम दोबारा आपसे दो चार सवाल करेंगे और आप जैसे मेंटल हेल्थ की एक्सपर्ट है जो मान जो मानसिक जो रोग है इसके ऊपर आप बहुत कुछ काम किया इसके विषय में हम दोबारा आप सवाल उठाएंगे मगर आपने जैसे कहा ये जो लॉकडाउन का असर पड़ा हमारे देश के गरीब के ऊपर हमारे देश में बहुत गरीब है अमेरिका पूरा जनसंख्या है तीस करोड़ हमारे देश में शायद तीस करोड़ से ज्यादा लोग गरीब गरीब है जो जिसको आज बहुत परेशान में है इसमें प्रवासी मजदूर भी है और जो पहले भी गरीब था और आप जैसे व्यक्ति पहले भी आपने बताया कि एक बार लोगों को जब बीमारी हो जाता है वो गरीबी रेखा वो ग, वो जो गरीब गरीबी रेखा का ऊपर भी था वो गरीबी रेखा का नीचे चले जाते और गरीब हो जाते हैं तो हमारे देश में देखिए हमारे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है बहुत ही कमजोर है आज भी बहुत साल से और आप जैसे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें और कुछ करना चाहिए मैं तीन चार आकड़ा देके फिर आपसे हम सवाल क्या क्या करना चाहिए हमें हम जो भारत सरकार जो जो पब्लिक हेल्थ जो जन स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करते हैं एक दशमलव छह फीसदी हमारे जीडीपी, हमारे नेशनल इनकम या सकल घरेलू उत्पाद सरकार ने खुद कह रहे 2017 में एक ऑफिशियल रिपोर्ट कहा कि ये ढाई फीसदी होना चाहिए टू एंड हाफ परसेंट होना चाहिए हमारे बजट में ये 2020-21 में हमने ज्यादा नहीं बनाया हमारे जो केंद्र बजट में है आप देखिए जिस तरह से डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो 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 विश्व स्वास्थ्य जो संस्था है उनका जो नॉर्म है हमारा बहुत ही इससे कम है दो चार उदाहरण हमारे देश में शून्य दशमलव सात अस्पताल बेड है हर हजार लोगों में हमारे देश में डॉक्टर है हर चौदह सौ मरीज के लिए एक डॉक्टर थोड़ा सा ज्यादा है डब्ल्यू कहते हैं एक होना चाहिए हमारे नर्स हर, हर, हजारों मरीज के लिए तीन होना चाहिए हमारे देश में एक दशमलव सात है इसका मतलब है कि हमारा वैसे भी जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है जो जन स्वास्थ्य प्रणाली है वो कमजोर थे तो ये कोविड उन्नीस के बाद हमें क्या क्या शिक्षा लेना चाहिए इस विषय के ऊपर आप कहिए देखिये पहली बात में ये, ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दिक्कत है जो आपने बताई कि हमारी सरकार जन स्वास्थ्य पे इतना कम खर्च करती है वो तो आजादी से है ये आज की बात नहीं है ये तो आजादी से ये ही मामला चल रहा है वैसे काफी सालों से कितने लोग बता रहे हैं कि हमारी आर्थिक प्रगति के लिए हमारे जन स्वास्थ्य पे खर्च करना चाहिए जन स्वास्थ्य के बगैर आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती है और जब जिस तरह से अभी आर्थिक प्रगति हुई है हमारे देश में जन स्वास्थ्य के बगैर असामान्यता इनइालिटी पैदा होती है तो यही मेरी बड़ी चिंता है कि आ, हमने जन स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया और मैं आपको एक चीज बताता हूं आज भी हर साल चार लाख लोग हमारे देश में टीबी से मरते हैं टीबी भी फेफड़े की इन्फेक्शन है जिस तरह से कोरोना वायरस है तो मेरे मन में ये प्रश्न पैदा होती है तो इतने सालों से ये जो गंभीर बीमारी है जो हर साल चार लाख देशवासियों को मारती है जो हम सदियों से जानते हैं ये जो बीमारी है पांच हजार साल और ये जो और टीबी जैसे बीमारी है इसका इलाज हो सकता है आप बिल्कुल इलाज हो सकता फिर भी आप जैसे कहा हर साल भारतवर्ष में चार लाख के आसपास टीबी के लिए लोग के मौत हो जाते हैं पूरा विश्व में हर चार व्यक्ति जो टीबी से मरते हैं उसमें एक व्यक्ति भारतवर्ष में है आज बिल्कुल और कारण क्या है कारण यह है कि अन्य देशों में टीबी की जो लड़ाई थी हम उन अन्य देशों ने कैसे जीती जनसंख्या के भी खर्च करते हुए जिस तरह से हर देश ने अपनी जो सरकारी स्वास्थ्य का जो कार्यक्रम होता है उस पर खर्च करके टीबी की बीमारी को आ, आ, लड़, आ, से हरा है लेकिन हमारे देश में क्या हुआ है क्योंकि टीबी की बीमारी गरीब की बीमारी है जब तक हम जनसंख्या पे खर्च नहीं करेंगे टीबी की बीमारी फैलती रहेगी और एक ही जो सबक है मुझे लगता है एक ही सबसे बड़ा सबक ये कोरोना वायरस से हमें होने हमें सीखनी चाहिए कि हमारी जो सरकारी आरोग्य कार्यक्रम है स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम है उस पे हमें ज्यादा खर्च करना चाहिए क्योंकि जन स्वास्थ्य से सबका अच्छा हो सकता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास मैं मानता हूं लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कि सबका स्वास्थ्य सबका विकास अब कहें डॉक्टर विक्रम पटेल जिस तरह से हमारे देश में हम लोग टेस्टिंग किया ठीक तरह से किया संतुलन से किया क्योंकि आप जैसे आपका लेख जो इंडियन एक्सप्रेस में इंडिया फोरम में आए हैं एक तो है जितना हमें टेस्टिंग करना चाहिए बहुत कम किया और किस तरह से किस जगह में किस इलाका में कैसे हमने टेस्ट किया ये भी शायद हमने ठीक तरह से नहीं किया इस विषय के ऊपर आप थोड़ा बहुत कहिए देखिए जब ये ये महामारी शुरू हुई थी तीन चार महीने पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यही बताया था कि सबसे महत्व की चीज ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए है कि टेस्टिंग हमें पता चलाना चाहिए कि कितने लोग को ये इन्फेक्शन हो रही है और उस तरह से उन लोगों का जो आसपास से मिल मिलाव हुआ है दूसरे लोगों के साथ उनको हम ट्रेस करें लेकिन अब भी आज चार हफ्ते की लॉकडाउन के बाद हमारी जो टेस्टिंग रेट है वो सब विश्व में से सबसे कम है मुझे कारण नहीं पता ये क्यों इतना कम है एक एक कारण तो बता रहे हैं कि हमारे पास टेस्टिंग किट कम है लेकिन अगर वो भी होते हम ये भी आसानी से हम गिन सकते थे कि कितने लोग हमारे अस्पताल को आ रहे हैं फेफड़े की बीमारी के साथ बुखार के साथ और उतना भी गिन के हमें कुछ अंदाज मिलता कि ये इंफेक्शन कितनी फैल रही है लेकिन वो भी हम नहीं जानते तो आज ये जो हम संख्या हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में इतनी केस हैं या मणिपुर में इतने केस हैं उसका जो अर्थ है हम नहीं समझ सकते क्योंकि एक ही कारण हो सकता है कि हम ज्यादा टेस्ट करें एक जगह पे तो हमें ज्यादा केस मिलेंगे उस जगह में ये जो संख्या हम देखते हैं उसका अर्थ ऐसे नहीं है कि महाराष्ट्र में सचमुच ज्यादा केस है ऐसी ही बात हो सकती है कि महाराष्ट्र बहुत 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 टेस्ट कर रही है आप समझे क्या तो यही प्रॉब्लम ये दिक्कत अभी है कि आज भी चार हफ्ते के बाद एक स्टैंडर्ड तरीके से हम टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं कहीं भी पूरे देश में आपने एक आपका एक लेख लेख आपका में आपने ये लिखा ओनली अ वैक्सीन कैन डिफीट द वायरस या हर्ड इम्यूनिटी जो आपने हर्ड इम्यूनिटी का आपने जो विश्लेषण किया कि एक वेन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी हैज बीन एक्सपोज टू द इनफेक्शन ये जरा आप सरल भाषा में समझा दीजिए कि हर्ड इम्यूनिटी के मतलब बहुत सारे लोग को जब कोरोना वायरस आक्रमण करेंगे तो एक तरह से इसी तरह से हम ये महामारी को हरा सकते हैं और साथ साथ हम कोशिश करें एक वैक्सीन डेवलप करने के लिए मगर ये वैक्सीन तो अचानक तो रहता अचानक तो नहीं हो जाएगा एक साल लग सकते दो साल लगता है इस विषय के ऊपर आप थोड़ा बहुत कहिए देखिए वैक्सीन के बारे में मैं ये पहला कहना क्या, चाहता हूं कि एक दो साल छोड़ो हो भी सकता है कि वैक्सीन कभी नहीं मिलेगी और दूसरी बात है वैक्सीन मिली भी हमारे 100 130 करोड़ लोग को वैक्सीन देना कोई मामूली बात नहीं है हम जो वैक्सीन हम जानते हैं सैकड़ों सालों से वो भी हम नहीं फैला सके पूरी देश को तो फिर ये नई वैक्सीन कैसे करेंगे तो ये पहली बात है उसका खर्च भी काफी होगा तो वैक्सीन को छोड़ो हमें यह सोचना चाहिए किस तरह से ये जो इन्फेक्शन है या महामारी हम धीरे धीरे से फैला सके क्यों क्योंकि जब 40, 50 या 60 प्रतिशत जनसंख्या को ये इन्फेक्शन होगी तब ये इन्फेक्शन अपने आप समाप्त हो जाएगी और उसका मतलब है हर्ड इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी का सिर्फ यही मतलब है कि जब 50 या 7 प्रतिशत जनसंख्या को ये इन्फेक्शन होती है तो इन्फेक्शन अपने आप ही समाप्त हो जाती है क्योंकि ज्यादातर लोग को इन्फेक्शन होने के कारण अभी इम्यूनिटी पैदा हो गई डॉक्टर पटेल आपने एक तरह से आप एक विशेषज्ञ है मेंटल हेल्थ के ऊपर जो जो मानसिक रोग के ऊपर और आपका कहना है कि वैसे भी भारतवर्ष जैसे देश में हम लोग मानसिक रोग जो इसके ऊपर जितना हमें आ, आ, हमें नजर डालना चाहिए था एम्फोसिस देना चाहिए नहीं किया तो ये कोविड उन्नीस के बाद आप क्या समझते हैं जो आत्महत्या है सुइसाइड है और भी अलग तरह के से जो मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम्स है डोमेस्टिक वायलेंस जो घरूल घरेलू हिंसा हो रहा है ये ये सारे बढ़ने का एक बहुत बड़ा संभावना है जिनको मिला डीटन और एना केस ने एक दो, दो शब्द तीन शब्द इस्तेमाल किया इन्होंने कहा तो इस विषय की भी आप बात कीजिए जरा <perfektionic Deepak composedly> तो मानसिक बीमारी के बारे में आपने जो कहा उसी बारे में मैं भी बहुत चिंता करता हूं। देखिए कोरोना वायरस के पहले भी लगभग पांच प्रतिशत भारतवासियों को आ, मानसिक बीमारी जो हम डिप्रेशन कहते हैं उन, उनको, उनको ये बीमारी थी और सबसे ज्यादा लोग नब्बे प्रतिशत से ज्यादा उनको कोई भी इलाज नहीं मिला था अब ये जो आर्थिक परिस्थिति होने वाली है इस लॉकडाउन के कारण और ये जो ये जो महामारी के कारण जहां करोड़ों लोग की जो रोजगारी है वो खत्म हो गई है तो ये ज्यादा गरीबी ज्यादा होने वाली है और रोजगारी कम होने के कारण ये जो टेंशन पैदा होगी हमारे मन पे आप सोचिए ना अगर आप हर दिन आप भूखे गए और आपके मन में बिल्कुल कोई उम्मीद भी नहीं थी कि एक दिन मेरी रोजगारी वापस आएगी तो इस टेंशन के कार्य में आपके मन पे आपके मानसिक स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर हो सकता है आप ही सोच सकते हो और उस असर के कारण ये डिप्रेशन की बीमारी की शुरुआत हो सकती है अब देखिए एंगस डीटन और एना के बारे में आपने आपने बताया ये अमेरिका में बता रहे थे कि 2008 जब बहुत ही बड़ी आर्थिक तकलीफ नुकसान हुई थी क्योंकि बैंकिंग क्राइसिस थी वहां उस देश में उसके बाद 10 साल तक आत्महत्या और शराब और अनेक अनेक जो ड्रग्स है उस कारण से मृत्यु सबसे ज्यादा जो जवान अमेरिकन थे जो जो काम पे जिनके जिनकी रोजगारी खत्म हो गई थी उनकी उनकी ज्यादा मृत्यु हुई थी तो उन्होंने ये जो शब्द बनाए की, की मृत्यु और मुझे वो ही चिंता है कि हमारे देश में अगर हमने कुछ आर्थिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अब अ, अब से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो फिर ऐसे ही परिस्थिति होगी आगे के दिनों में डॉक्टर पटेल आपने आपका लेख में ये भी लिखा बहुत ज्यादा सेंसेशनलिस्ट रिपोर्ट आज लोग हमारे जो लोक माध्यम है टेलीविजन चैनल है और साथ साथ हमारे जो सोशल मीडिया है भारतवर्ष में 40 करोड़ लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और ये लॉकडाउन के समय इतने झूठे खबर इतने फेक न्यूज फैला दिया ये भी एक चिंता का विषय है तो इस विषय के Uh, um, तो ये हम कैसे रोक सकते हैं क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सरकार ने कहा कि लोगों का जो निजीता है इंडिविजुअल प्राइवेसी जो सूचना के ऊपर हमें कुछ 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 रोकना चाहिए कुछ, अ, कुछ, अ, कुछ हम पाबंदी लगाना चाहिए मगर साथ साथ लोगों का जो व्यक्तिगत जो जो फ्रीडम्स है जो एक सिर्फ निजीता का बात नहीं है सिर्फ प्राइवेसी नहीं है जो अपने जो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है जो मीडिया में जो आप एकदम स्वाधीनता से जो भी हो रहे है, उसका आप टिप्पणी कीजिए सवाल उठिए इसके ऊपर भी लोग आज पाबंदी लगा रहे हैं इन कंट्रोलिंग फेक न्यूज़ यू आर रिस्ट्रिक्टिंग द राइट टू फ्री एक्सप्रेशन एंड पर्सनल फ्रीडम्स तो आप इस विषय के ऊपर भी कुछ कहिए देखिए ये तो हमारी जनतंत्र में सबसे बड़ी प्रश्न है मुझे द, अ, अ, मेरे मन में ये जो फेक न्यूज़ जो फैल रहा है सोशल मीडिया पे और जो एज uh, इट हम कह सकते हैं जो सच्चा समाचार है उसमें फर्क हम कैसे बनाए और हम फेक न्यूज के साथ करें क्या मैं आपको बताऊं हमारी जो सच्ची समाचार है यानी कि जो जो हर हर दिन दिन हम अखबार अखबार पढ़ते हैं उसमें भी ये जो संख्या हर दिन हमारे के फ्रंट पेज पे छपाते हैं कि इतने लोग मरे कोई हमें नहीं समझाता कि ये संख्या का अर्थ क्या है यानी कि ये जो लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस के कारण उसी दिन में कितने लोग मरे अनेक दूसरे बीमारी के कारण अगर हम पूरी पिक्चर नहीं देख सकते हैं अगर हम पूरा पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, तो हमारे मन में डर पैदा होती है कि यही का मतलब कारण से हमें मौत होने वाली है सभी मीडिया को सोचना चाहिए ख्याल से कि हम किस तरह से इस महामारी के बारे में हम सूचना जनसाख्या को पटेल Uh, आप इस विषय के ऊपर हम पहले भी बात किया इस बात थोड़ा विस्तार से आप बताइए आप क्या है कि जो मरीज जो अलग अलग मरीज हैं जिसको बहुत जरूरी है अटेंशन वो आज नहीं मिल रहे क्योंकि हमारे सारे अस्पताल हमारे सारे डॉक्टर हमारे सारे नर्स सिर्फ ये कोविड उन्नीस के उसको रोकने के लिए लगे हुए हैं तो इसलिए आप कह रहे जो लोग कैंसर का मरीज है डायबिटीज का मरीज है जो 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 हार्ट डिजीजेस है और भी अलग अलग एलिमेंट्स आपने जैसे ट्यूबकोलोसिस के बात किया इन लोग को जिसका इलाज मिलना चाहिए नहीं मिल रहे और इसका भी एक असर पड़ेगा हमारे देश का पूरा जो स्वास्थ्य प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर इसके ऊपर और जरा आप विस्तार से बात कीजिए देखिए आज के बाद तो आप जानते हो कि देश के आधे जिलों अभी ग्रीन जोन बनाए गए हैं और उसका मतलब है कि जो सब प्राइवेट अस्पताल हैं वो अभी जारी रहेंगे लेकिन उन जिलों में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है यानी कि साधारण आदमी का जो ट्रांसपोर्ट होता है बस या ट्रेन नहीं है तो मेरी यही प्रार्थना है कि सब जिलों में कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करें या टैक्सी शुरू करें अगर किसी को बीमारी हो तो वो अस्पताल पहुंच सके और जो हॉटस्पॉट्स है वहां भी हमें बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए कि जो साधारण बीमारियां थी जो बीमारियां पहले से ही थी उनका जो इलाज है वो जारी रखे नहीं तो ये हो सकता है कि हम कुछ जिंदगी बचाएं कोरोना वायरस से लेकिन और मौत हो अलग बीमारियां के कारण से और ये तो हम कोई भी ये कोई भी नहीं चाहता तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट साधारण आदमी का जो ट्रांसपोर्ट है थोड़ा तो शुरू करना चाहिए हर जिले में और सब जिलों में हमें आ, 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 जो जो पहले के जो प्राइवेट और पब्लिक सरकारी अस्पताल थे वो जारी होना चाहिए मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर पटेल बहुत सारे लोग जो आज हम समझते हैं जो दक्षिण पंथी है उन लोग भी आ, आप कह रहे जैसे मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में स्वामीनाथन अंकल सारी आयर का एक लेख पढ़ा था वो कह रहे हैं भारत वर्ष में वी आर गेटिंग द द वर्स्ट ऑफ ऑफ बोथ इकोनॉमिक कोलैप्स विदाउट चेकिंग स्प्रेड कोविड यानी कि हम कोविड को भी नहीं रोक पा रहे और साथ साथ एक आर्थिक संकट के समय आ गया आपने भी खुद लिखा है कि ये लॉकडाउन ये ये जो कोविड फैलने का ये इसको बंद नहीं करेंगे मगर जो गरीब की जो स्वास्थ्य उनके जो जीविका इसके ऊपर बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं आप जानते हैं किस तरह से करोड़ों हमारे देश का जो प्रवासी मजदूर उनका क्या स्थिति है आप एक तरह से, एक तरह तरह से से करके यू यू वर आपने कहा साथ साथ शायद जो सड़क में जो एक्सीडेंट होता है वो कम हो जाएगा जो हमारे जो परिवेश में जो 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 है एयर पोल्यूशन के लोग के लिए लोग कम मरेंगे और आपने इंडियन एक्सप्रेस का चौदह मार्च में आपने एक लेख लिखा है और मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं ये गर्मी का समय आ गया और सब लोग सोच रहे हैं देन वी हैंड्स एंड हगिंग एंड बोट प्लेन एंड क्रूज शिप्स विदाउट बैटिंग एंड आईलेट तो क्या मतलब ये आने वाले हैं देखिए आगे के दिनों में मेरी उम्मीद है कि तीन चार चीज पे हम ध्यान करें पहली चीज है कि हमारे जो करोड़ों लोग को आर्थिक नुकसान पहुंचा है उनके लिए हम अभी कुछ करें आर्थिक मदद खाने की मदद उसकी योजना अभी ही करनी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत ही आ, आ, दुख हो रहा है ये देख के और डर भी हो रहा है कि उनकी जो मौत है कोरोना वायरस के लिए छोड़ो भूख के मारे होगी दूसरी बात कोरोना वायरस को कंट्रोल के लिए काबू लाने के लिए जो पहले से ही हम जानते हैं जो करना है उस पर हम ध्यान रखें टेस्टिंग 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 और टेस्टिंग के बाद जहां भी किसी क, हमें कोई शक हो कि किसी को कोरोना वायरस हो कांटेक्ट ट्रेसिंग और घर पे क्वारंटीनिंग तीसरी बात हमें सबको सब, सब जनसंख्या को ये साफ बताना चाहिए कि अगर आपको कोई बीमारी हो या फेफड़े की कोई बीमारी हो घर पे रहें आप अस्पताल मत आइए क्योंकि अगर आप अस्पताल आओगे तो फिर ज्यादा डेंजर है कि आप दूसरों को ये इंफेक्शन फैला सकते हो और ज्यादातर लोग को ये जो इन्फेक्शन है बहुत ही मामूली इंफेक्शन रहती है आप अस्पताल सिर्फ तब आइए जब आपको सांस में कोई तकलीफ हो चौथी बात हम जानते हैं कि जवान लोग को ये इंफेक्शन होने में कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला तो जवान लोग को जो ज्यादातर हमारे जो आ, आ, काम करते हैं जो रोजगारी है वो तो जवान ही होते हैं उनको धीरे धीरे से हमारी आर्थिक जो परिस्थिति है उसको सुधारने के लिए हम बिल्कुल सब कोशिश करें उनका जो काम रोजगार हो हम शुरू करें और उन्हें हमें एडवाइस दें सुझाव दें कि जब वो घर जाते हैं अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा रिस्क है तो फिर आपको ध्यान से जब आप वापस जाते हो घर पे थोड़ी दूरी होनी चाहिए उनके साथ आपको हाथ घर आने पे साबु के साथ अच्छी तरह से धोना चाहिए और अगर हो सके तो मास्क भी पहनना चाहिए उस तरह से आप काम कर सकते हो और अगर आपको कोई इंफेक्शन हुई काम के वक्त आपको तो कुछ नहीं होगा लेकिन आप जब आप वापस जाओगे घर पे और कोई बुजुर्ग होगा आप उनकी भी सुरक्षा कर सकते हो तो ये तीन चार तरीके से परम जो है मुझे यकीन है कि हम ये कोरोना वायरस पे हम लड़ाई जीतेंगे लेकिन उसके साथ साथ भी हम गरीबी की जो लड़ाई है वो भी हम जीत सकते हैं अत्यंत धन्यवाद डॉक्टर विक्रम पटेल आपने विस्तार से न्यूज क्लिक का दर्शक को लिए सारे समस्या के बारे में कहा आपने साफ साफ कहा किस तरह से भारत सरकार इस बीमारी के इस संघर्ष एक तरह से एक बड़ा हथौरा लेके अब मक्खी मार रहे अब मच्छर मार रहे हैं और जो संतुलन होना चाहिए द प्रोपोर्शन इट शुड बीन अ प्रोपोर्शन एट एन बैलेंस रिस्पॉन्स वो अभी तक नहीं हुआ एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास ये कोरोना वायरस से हमें एक सबक अगर एक ही सबक हमें सीखना चाहिए वो होगा सबका स्वास्थ्य सबका विकास धन्यवाद डॉक्टर पटेल और शुक्रिया आप लोग जो डॉक्टर पटेल की बात सुना आप देखते रहिए न्यूज के